हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो में हम लगभग जो है 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 20 प्रश्नों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आप पहले ये क्वेश्चन देख रहे हैं इन प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके, हिंदी की प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लें और आप उसका फ़ायदा उठाएं। ये वीडियो जो है 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें और इसका लाभ उठाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो आज हम जो है 21 नंबर से शुरू करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन रहेगा, पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, राहुल सांकृत्यायन, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, रांगे राघव या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 21वें का सही आंसर होगा घ। क्या होगा? घ इसका सही आंसर होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तूफानों के बीच के रचयिता कौन हैं? रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, शिव सागर मिश्र या फिर श्री राम शर्मा। तो जो 22वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा क, रांगे राघव। तूफानों के बीच किसने लिखा है? रांगे राघव। त्यागपत्र के रचनाकार हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। तो जो 23वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ख। 23वें का सही आंसर क्या होगा? ख होगा, जैनेन्द्र कुमार। 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। जो गोरा बादल की कथा है उसको किसने लिखा है? सदा सुखलाल, जटमल, राजा शिवप्रसाद या फिर फोर्थ ऑप्शन, दौलत राम। तो जो 24 क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ख, जटमल। जटमल ने लिखा है गोरा बादल की कथा। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए भी नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 25वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? मतलब जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा वो किस विधा की है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है या फिर संस्मरण है? तो 25वें का जो सही आंसर होगा क्या होगा? जीवनी। आवारा मसीहा एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद हैं, श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर भगवती चरण वर्मा हैं? तो जो 26वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ग। 26वें का सही आंसर क्या होगा? ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं? तो जो 27 है उसका सही आंसर होगा घ, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जो है सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र? तो जो 28वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ख होगा। क्या होगा? ख, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो हैं कला और संस्कृति के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो जो 29 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा क होगा, मथुरानाथ शुक्ल। मथुरानाथ जो शुक्ल हैं, मथुरानाथ शुक्ल ये पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। 30वां क्वेश्चन रहेगा, ये और वे किस विधा की रचना है? जो रचना है ये और वे किस विधा की रचना है? जीवनी है, कहानी है, संस्मरण है या फिर उपन्यास है? तो जो 30 का आंसर होगा, 30 का आंसर होगा ग, संस्मरण। क्या है ये? संस्मरण है। 31वां क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, महादेवी वर्मा हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं? तो जो 31वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा घ होगा। क्या होगा? घ होगा, हरिशंकर परसाई। सत्यार्थ प्रकाश रचना है।
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल? तो जो 32 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा गया स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो जो इसका सही आंसर होगा गया होगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं या थे, मतलब जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, 2019 और 20 लगातार आया हुआ है, तो आप जो है इसको जरूर पढ़ें। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं या थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन जिसको बोलते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद, या फिर घ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो जो 33 क्वेश्चन होगा, 33वां होगा, इसका जो सही आंसर होगा ख होगा। कौन सा होगा? ख होगा, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 34, माधव विलास के लेखक हैं या थे, जो भी हैं, जिंदा हैं तो हैं, मर गए तो थे। तो 34 का माधव विलास के लेखक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल, या फिर सदा सुखलाल? तो जो 34 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ग होगा, लल्लू लाल। माधव विलास के लेखक कौन थे? लल्लू लाल। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर माधव प्रसाद मिश्र? तो जो 35वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ख, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजात शत्रु जो नाटक है ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, उपेंद्र नाथ अस्क ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो जो 36वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा क। क्या होगा? क, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक लिखे गए हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की गई है जैसे नाटक कहानी ये सब स्मरण वगैरह की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? इलाचंद जोशी, लाला श्रीनिवास दास, यशपाल, या फिर धर्मवीर भारती? तो जो 37वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ख, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, आप इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु। 38वां क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है, जो रचना है पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, या फिर यात्रा वृत्त? तो जो 38 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा घ। क्या होगा? घ, यात्रा वृत्त। पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृत्त है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? गोस्वामी विठलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, या फिर सदा सुखलाल? तो जो 39 क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ग, गोकुलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अपनी खबर के लेखक हैं। अपनी खबर के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, राहुल संकृत्यायन, बाबू गुलाब राय, पांडे बेचन शर्मा उग्र जिनको हम बोलते हैं? तो जो 40वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा घ होगा, पांडे बेचन शर्मा। ध्रुव स्वामिनी की नाटक के रचनाकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 41, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद? तो जयशंकर प्रसाद की जीवनी आपने जरूर पढ़ी होगी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं, नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे, जो हिंदी प्रदीप पत्र है इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद? तो जो 42वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा क, बालकृष्ण भट्ट। 43वां क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, या फिर यात्रा वृत्त है? तो 43 का जो आंसर होगा ग होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि आत्मकथा लिखा हुआ है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये तो आत्मकथा ही होगा, तो गलत हो जाएगा, ये एक उपन्यास है। तो 43 का आंसर क्या होगा? ग, उपन्यास। 44वां क्वेश्चन रहेगा, हिंदी के साहित्य इतिहास, मतलब साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो जो 44वां क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा ख होगा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 45वां क्वेश्चन, प्रेम सागर के लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ईसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या फिर जटमल? तो जो 45वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ग, लल्लू लाल। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। 46वां क्वेश्चन रहेगा, भारतेंदु के सहयोगी साहित्यकार हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके सहयोगी साहित्यकार कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश या फिर श्याम सुंदर दास? तो जो 46वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ख, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं, तो इस बार बोला है नहीं है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो जो 47वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ग, बाल मुकुंद गुप्त। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, जो क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी? तो जो 48वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा घ, राम प्रसाद निरंजनी। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर बालकृष्ण भट्ट को? तो जो 49 का क्वेश्चन रहेगा ग होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन है? हरिश्चंद मैगजीन, सरस्वती, हंस या फिर कादम्बिनी? तो जो 50 का आंसर होगा घ होगा, कादम्बिनी। कादम्बिनी को छायावादोत्तर काल की रचना माना जाता है। फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चन। आज के वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है। इससे पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आज 30 किए हैं। आगे के जो प्रश्न देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहना चाहूँगा कि आप 52 का जो है सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है, किसने की है? आपको जो है इसका सही आंसर बताना है। इसका वीडियो जो है हम नेक्स्ट बनाएंगे और आपको इसका सही आंसर उसमें ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।